हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान की नेटवर्थ को लेकर। सलमान खान कितना ज्यादा फिल्मों से कमाते हैं या नहीं कमाते। एक है जिनकी नाम शामिल होती है बॉक्स ऑफिस पर सलमान की फिल्में सफलता की गारंटी मानी जाती है। 30 साल में से अधिक के करियर में सलमान ने कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। सलमान बॉलीवुड की नहीं दुनिया के सबसे अधिक फीस लेने वाले एक्टर में से शुमार है। फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी लिस्ट को 3 सालों तक सलमान ने टॉप किया है। 27 दिसंबर को बॉलीवुड के सुल्तान सलमान ने उम्र के 55वां साल पड़ाव किया है। पर सलमान खान की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए उनके फैंस के मन में भी सवाल रहता है कि आखिर दबंग खान कितनी संपत्ति के मालिक होंगे। इसका कोई सीधा या पुष्ट आंकड़ा तो नहीं है, मगर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान की नेटवर्थ 2000 करोड़ से 3000 करोड़ के बीच कहीं है। इसी साल जनवरी में गल्फ न्यूज ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की नेटवर्थ को लेकर एक लिस्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक सलमान की नेटवर्थ 260 मिलियन डॉलर आकी गई थी। अगर इस राशि को रुपयों में परिवर्तित करें तो यह रकम 2000 करोड़ रुपयों के आसपास आती है। लेकिन आपको बता दें 2018 में फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में अनुसार सलमान खान सबसे रईस भारतीय सेलिब्रिटी घोषित किए गए थे। इससे पहले 2016 और 17 में भी सलमान ने इस लिस्ट को टॉप किया था। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2017 को 30 सितंबर 2018 के बीच सलमान खान ने 253 करोड़ रुपये की कमाई की थी। सलमान की कमाई में टाइगर जिंदा है और रेस 3 का योगदान रहा था। सलमान को का गैलेक्सी अपार्टमेंट में घर है। इसके अलावा पनवेल में एक आलीशान फार्म हाउस है। कई महंगी कारों और मोटरसाइकिलों के भी वो मालिक हैं। वहीं एक यॉट भी सलमान खान के पास बताई जाती है। सलमान इंडस्ट्री के वैसे एक्टर हैं, महंगे एक्टर्स हैं शामिल हैं। अगस्त की आई फिल्म मेकर रिपोर्ट के अनुसार सलमान एक फिल्म के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपये फीस लेते हैं। फीस के अलावा वो निर्माता के साथ प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अलावा सलमान विभिन्न राइट्स से होने वाले लाभ में भी अपना हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण सलमान खान पिछले कुछ सालों से छोटे पर्दे पर भी सक्रिय हैं। कलर्स टीवी के शो बिग बॉस की होस्टिंग में सलमान खान को काफ़ी आय होती है। पिंक बिला की एक रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि बिग बॉस 13 के लिए सलमान खान ने लगभग 13 करोड़ रुपये प्रतिदिन चार्ज किए थे और लगभग 200 करोड़ उन्होंने इस सीजन में कमाए थे। तो यही है सलमान खान की बहुत ही ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बातें। तो सलमान खान ने अब तक लगभग 2500 करोड़ की कमाई की है फिल्म इंडस्ट्री से। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं।